आप जुड़ चुके हैं इन्फो बग के साथ, मैं हूं उल्फत बशीर। आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा इलाके के हसनपुरा में नामालूम बंदूक बरदारों ने शाम देर गए एक शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त आसिफ अली गनाई, वल्द अली मोहम्मद गनाई, साकना हसनपुरा ताविरा की बतौर हुई। जख्मी शख्स को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहाड़ा मुंतकल किया गया। इस दौरान हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया गया, तहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले पर नजरसानी की जरूरत, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने इस हवाले से कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और ऐसे फैसलों को मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए। कहा, जम्मू कश्मीर में पिछले 9 सालों से कोई इंतखाबात नहीं हुए हैं और लोग इस तमाम अरसे से इंतखाबात के इनकार का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस तरह के फैसले एक मुंतखब हुकूमत ले सके। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद रियासत है जहां पर बेरोजगारी में गैर मामूली इजाफा हुआ है, तहम इस सब को ध्यान में रखकर एलजी इंतजामिया को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम ने गोल अन धमाके में मुलविस मुलजमान के दो मकान और दुकान को जब्त किया। पुलिस बयान के मुताबिक सील किए गए मकानात को मिलिटेंट सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। तहम पुलिस ने वाजिया किया कि जब्त शुदा मकानात और दुकान को कोई फरोख्त न करे और न ही उनमें तब्दीली लाई जाए। सांबा इंतजामिया ने जिला में काम करने वाले गैर मुकामी लोगों की तफसीलात मुतलका हुकाम को फराहम करने की हिदायत जारी किए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सांबा ने एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में मकानात तामीराती कंपनियों और सन्नतों के मालिकान से कहा गया कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उनके हाँ काम करने वाले गैर मुकामी मुलाजमों, दीगर अफराद या किरायादारों की मालूमात डिक्लेरेशन फॉर्म के मुताबिक मुतलका थाने में जमा कराए। वहीं तफसीलात फराहम न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम जूनियर क्लासों के टर्म सेकेंड के इम्तहान को 20 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सॉफ्ट जोन में आने वाले इलाकों में 8वीं क्लास के टर्म सेकेंड का इम्तहान 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक मुनक्कद किए जाएंगे, जिसके बाद हार्ड जोन वाले इलाकों में 24 मार्च से 8 अप्रैल 2023 तक इम्तहान का आगाज होगा। ये हिदायत स्कूलों में नए तालीमी सेशन के लिए क्लास वर्क को वक्त पर यकीनी बनाने के लिए जारी की गई। SED के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने 8वीं जमात के तुलबा के साल के आखिर में असेसमेंट को अंजाम देने में डिविजनल इंतजामिया कश्मीर से तमाम तलब करने को कहा। जम्मू कश्मीर के रामबन में फेसबुक पोस्ट पर हुकूमत पर तंकीद करने पर उस्ताद को बातिल कर दिया। हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी के लिए GPS चंद्रपुर के उस्ताद जोगिंदर सिंह को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में मुअत्तली का हुक्म जिला मजिस्ट्रेट रामबन मसरत इस्लाम ने जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि मुतलका उस्ताद चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन के दफ्तर से मुंसलिक रहेगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने 17 फरवरी 2023 को होने वाली मीटिंग के दौरान तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों को हिदायत की कि वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती पॉलिसियों और कामयाबियों पर तंकीद करने या उन पर मनफी तबसरा करने वाले सरकारी मुलाजमीन की निशानदेही करें। महराजुल आलम की मुनासबत से वादी कश्मीर में रूह परवर तकारीब का इनेकाद। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्कद की गई, जहां नमाज जुमा की अदायगी के बाद लोगों ने मोई मुकद्दस का दीदार किया। दरियासना शब खवानी की मजलिस आसार शरीफ दरगाह हजरत बल के अलावा शहरी कलाश, पुरा पंजूरा और वादी के दूसरी इबादत गाहों में भी मुनक्कद हुई, जिनमें लाखों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने शमूलियत की। वहीं महकमा उमूर सार्फीन व अवामी तकसीम कारी और जम्मू कश्मीर बैंक ने दरगाह हजरत बल में जायरीन के लिए तमाम के लिए माकूल इंतजाम किए थे। जिला कपवारा में 4.5 किलो वजनी हेरोइन जब्त, दो मंशियात फरोश गिरफ्तार, पुलिस का दावा। पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कपवारा के करना इलाके में गुजश्ता शब दो अलग अलग वाकत में 4.5 किलो वजनी हेरोइन के नशा आवर मवाद के 5 पैकेट बरामद किए।
तहकीकात के दौरान राजा आफ्ताब उर्फ बाबू, वल्दे राजा गुलाम अकबर साकना टीटवाल और फारूक अहमद शाह, वल्दे रकीब हुसैन शाह साकना पंजीतारा करना को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। तहम इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। आखिर पर मौसम। जम्मू कश्मीर में जारी खुशक मौसम के दरमियान कम से कम दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर मकामात पर मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। वहीं 24 फरवरी को मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया। तहम इस दौरान कई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जबकि 27 से 28 फरवरी के बीच मौसम जुजी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई। ये थी दिन भर की कुछ अहम खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे इन्फोबक के साथ।